नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां शहर के मध्य स्थित छोटे बच्चों के प्रतिष्ठित स्कूल टाइनी टॉट्स स्कूल रैदोपुर में बच्चों ने पूल पार्टी का आनंद लिया। वर्तमान समय में गर्मी से निजात पाने के लिए बच्चों ने स्विमिंग पूल में धमाल मचाया। तो इन बच्चों की स्विमिंग ड्रेस में धमाल मचाना, उनके गार्जियन का उत्साह करना सराहनीय रहा। जहाँ आजकल वाटर पार्क का चलन है, उसका छोटा सा आनंद बच्चों ने उठाया है। इस कदम के लिए प्रिंसिपल नितिन गौड़ की सोच रही। बता दें तो इस दौरान एक छोटे से पुल में पानी भरकर स्कूल की तरफ से बच्चों ने स्विमिंग की। बच्चों ने स्विमिंग ड्रेस पहनकर पूल पार्टी का जमकर लुत्फ उठाया। स्कूल के प्रिंसिपल नितिन गौड़ ने बच्चों को खूब प्रोत्साहित किया। बच्चों के परिजनों ने स्कूल की इस पहल का स्वागत किया। प्रिंसिपल नितिन गौड़ ने कहा कि बड़े शहरों में बच्चों को स्विमिंग पूल की सुविधा मिलती है, लेकिन आजमगढ़ में बच्चों के लिए इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में बच्चों को सुरक्षित तैराकी का आनंद दिलाने के लिए स्कूल की तरफ से पहल की गई है, जिसमें बच्चों को गर्मी हो और उमस के बीच राहत तो मिली ही है, वहीं स्विमिंग की भी शुरुआती जानकारी मिली है। बता दें तो इस मौके पर प्रधानाचार्य नितिन गौड़, राजीव सिंह गप्पू, राजेश्वर सिंह, कृष्ण कौशल, अर्जुन और समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। स्विमिंग पूल लगाया गया बच्चों के, इसमें निभा गया क्या है पूरा ये? आज वो पूल पार्टी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज थी। बच्चे 15 दिन से स्कूल आ रहे थे, तो उनको थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए कि बच्चों को इसमें भी मज़ा आए, इसलिए हमने आज एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी बच्चों के लिए। ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि आपने ऐसी व्यवस्था की स्विमिंग पूल? में कहीं स्विमिंग पूल है नहीं जहाँ बच्चे इस तरीके के इन्जॉयमेंट कर सकें, इस सोच से मैंने ये ऑर्गेनाइज किया। इसे कोई नुकसान बच्चों के लिए कोई नुकसान नहीं है बच्चों के लिए। आखिर बच्चे यहाँ से बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ पे पूल पार्टीज होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े वाटर पार्क्स में जाते हैं, तो वही एक्सपीरियंस बच्चों को यहाँ कुछ देने की कोशिश की गई। टाइनी टॉट्स स्कूल में आज पूल पार्टी का ऑर्गेनाइज की गई, जिसकी वजह से जिसमें बच्चों ने आज पूल में खूब इन्जॉयमेंट किया। और ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते रहते हैं कि ताकि बच्चों को कुछ जानने की चीज़ों को जानने के बारे में पता चले। स्विमिंग पूल के उससे बच्चों को ये एक वो था कि हाँ, हमें पानी को कैसे कंजर्व करना चाहिए, कैसे उनको यूज़ करना चाहिए, ये उनको बताया गया। उसके बाद जो है बच्चों को पूल पार्टी में बच्चों ने इन्जॉय किया। यहाँ पे इस तरीके की छोटी छोटी पार्टी से बच्चों को एक वो भी रहता है कि हमें स्कूल क्यों आना चाहिए।